हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम SK एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो फोन पे फ्रॉड के बारे में जो मेरे साथ जो दो इंसिडेंट हुए, मैं आज जो है आपके साथ डिस्कस करने वाला, मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से मिस ना कर सके। हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मुझे कॉल आया था और जहाँ उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन पे कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉल कर रहा हूँ। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि फ़ोन पे कस्टमर सपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से कॉल कर रहा हूँ फ़ोन पे कस्टमर सपोर्ट से और आपको जो है 4000 का कैशबैक मिला है क्योंकि आप हमारे वैल्यूबल कस्टमर हैं। तो फिर मैंने ये कहा कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉल कर रहा हूँ सेक्टर नंबर 3 यानी नोएडा से कॉल कर रहा हूँ। और जब मैं उनकी आवाज़, क्योंकि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता था, ये सेम इंसिडेंट मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, तो उसने मेरे को ऑलरेडी डिस्कस करा था इसके बारे में, तो मुझे पता था। फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि मतलब कि आप जो है, अगर आपके टोन के हिसाब से आप लग रहा है कि आप पटना से बात कर रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंट था वो लो हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ नोएडा सेक्टर नंबर 3 फ्रॉम कस्टमर केयर सपोर्ट ऑफ फ़ोन पे। तो मैंने कहा कि जैसे कि फिर उसके बाद मैंने और क्रॉस क्वेश्चन कहा, मतलब कि आपके टीम लीडर या आपकी मैनेजर से बात करें, क्योंकि मेरे को आपकी बात पे डाउट हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं हमेशा जो है रेगुलर अपडेट करता हूँ फ़ोन पे और मैं व्यू माई रिवॉर्ड्स में हमेशा जाके चेक करता हूँ कि मुझे कोई कैशबैक या कुछ मिला है। और मैंने ये सेकंड क्वेश्चन पूछा उनसे कि फ़िलहाल मैंने रिसेंटली कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, ना मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ना मैंने रिचार्ज किया, तो मुझे कैसे मिला फिर? क्योंकि आपको भी इसके बारे में पता होगा कि आप जब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते आपको कुछ ऐसा कैशबैक नहीं मिलता, और भी 4000 का हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये कहा था कि सर आपको मिला है, प्लीज़ मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसे आप अवेल कीजिए। तो मैं बोला कि मैंने जब कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया और मैं जब मैंने मॉर्निंग में चेक किया, ऐसा कोई मेरे को व्यू माई रिवॉर्ड्स में तो कुछ दिखा नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं सर आपको मिला है, और मुझसे वो बहस करने लगा। तो मैं बोला कि जो आप फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ वो मत कीजिए। तो उन्होंने फिर जो उसने शायद नया बंदा होगा या कुछ भी होगा, उसने कॉल म्यूट पे रखना भूल गया होगा, उसने कहा कि ये बकरा फंस नहीं रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, ये बकरा फंस नहीं रहा है। तो ये कैसा होता है कि आप जब आपको ये लोग कॉल करते हैं, फर्स्ट आपकी ये ड्यूटी होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमेशा आपके फ़ोन पे को रेगुलर अपडेट कीजिए, और सेकंड आप हमेशा जो है व्यू माई रिवॉर्ड्स में जाके चेक करते रहिए कि मुझे सही में कोई मिला है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब तक कोई आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, जब तक आप अपने दोस्तों में पैसा या इलेक्ट्रिसिटी बिल या रिचार्ज नहीं करते, आपको जो कोई भी ऐसा ऑफर्स या कैशबैक आपको जो है फ़ोन पे जानबूझ के आपको नहीं देगा। और फिर थर्ड बात ये होती है, अगर चलो मैं ये भी मानता हूँ कि ना मैंने उस वक्त कोई किसी को इनवाइट किया, आपको पता है कि इनवाइट करते तो कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी मिलता रहता है, लेकिन उस वक्त मैंने कोई भी इनविटेशन भी किसी को भेजा नहीं था कि फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए ताकि आप, मतलब कुछ ऐसा रहता है रेफरल अमाउंट के बारे में। तो हमेशा आप याद रखिए, हमेशा जब भी ये कॉल आए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछे, उनकी बातों पे मत आइए। वो रियली एक लिंक तो आपको बना के भेज देंगे और आपको रियली लगेगा ओह माय गॉड, ये फ़ोन पे की तरफ से ये जेन्युइन है, मेरे को इस पर क्लिक करना पड़े। बट मैं ये कहना चाहता हूँ आप वो लिंक पे कभी भी मत क्लिक कीजिए। और सेकेंड इंसिडेंट हुआ था, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया सेकेंड इंसिडेंट के बारे में भी, कि ये हुआ था मेरे साथ कि सेम फ़ोन पे कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉल किया, और ये हमेशा मोस्टली 75% ये हमेशा पटना से होते हैं मोस्टली, इनके टोन से भी आपको समझ में आएगा। और ये हमेशा नाम कहते हैं हम सेक्टर नोएडा सेक्टर 3 से कॉल कर रहे हैं, और फ़ोन पे जैसी अच्छी कंपनी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, कम से कम 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन पे मैं, और ऐसा कभी मेरे कंपनी ने मेरे साथ कभी ऐसा करा नहीं है, लेकिन ये फ्रॉडस्टर इन अच्छी अच्छी कंपनी का नाम लेके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, और जब फ्रॉड हो जाता है वो जाते फ़ोन पे में, फ़ोन पे कहता है हमने कॉल ही नहीं किया, और सही है वो कॉल नहीं करते। इसके बारे में सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ था मेरे साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि मुझे कॉल आया और मुझे उसने कहा कि आपको एक OTP आया है, प्लीज़ बता दीजिए आप वो OTP हमें, ताकि हम आपको कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है जो हम सॉल्व कर देंगे आपका। मैंने ये कहा कि ऐसा कोई भी टेक्निकल एरर नहीं, क्योंकि मैं बैंक बैलेंस चेक करता रहता हूँ और प्रॉपर मेरा चल रहा है, UPI भी एकदम प्रॉपर चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। तो उससे फिर ये पूछा कि बोला नहीं नहीं टेक्निकल इशू जिसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, देर आर सम यू नो सवर इशू, सो वी नीड योर
ओटी नंबर जो ओटीपी नंबर जो मुझे आपने हमने आपको जो सेंड किया है वी नीड दैट। तो फिर मैंने कहा कि देखिए इसके बारे में कोई भी ऐसा टेक्निकल एरर नहीं है, सो काइंडली प्लीज़ आप इस कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए एंड आई डोंट वांट टू शेयर माई ओटीपी एज वेल। तो उसने भी कॉल जो है नहीं मांग रहा था, फिर मैंने खुद ही जो है कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये समझिए सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे सीक्रेट पासवर्ड होता है ओटीपी। ओटीपी कभी भी आप मत शेयर कीजिए। फ़ोन पे हमेशा कहता है कि इन केस अगर कोई आपको फ्रॉडस्टर या अगर आपको कोई स्कैमर कॉल करता है और आपसे कोई ओटीपी मांगता है, सो प्लीज़ डू नॉट शेयर ओटीपी विद एनीबॉडी। क्लियरली वो लोग कह देते हैं बाद में फ्रॉड होगा तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अवेयर कर रहे हैं। और मेरा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताया, क्योंकि एज अ यूट्यूबर एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर माई पीपल्स माई व्यूअर जो भी मुझे देखते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे फ्रॉड में मत फंसे, बहुत से लोगों के साथ हो चुका है फ्रॉड। तो मैं रिक्वेस्ट करता अगर ऐसा आपको कॉल आए तो पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछे, आप डायरेक्ट कॉल मत डिस्कनेक्ट कीजिए, उनको खुद फंसाइए आपके कॉल में, जैसे मैंने किया हूँ दोनों कॉल पे मेरे में, उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछा हूँ, वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी डिटेल्स या आप ओटीपी या सीवीवी नंबर या कोई भी डेबिट कार्ड नंबर क्रेडिट कार्ड नंबर आप शेयर ना करें। प्लीज़ ना शेयर करें, भले वो आपको कॉल करके कहे कि आपका हम जो एक्सपायर हो चुका है कार्ड, आप सिंपल बोलिए मैं बैंक चला जाऊंगा, ब्रांच चला जाऊंगा, बट आपके साथ डिटेल्स शेयर नहीं करूँगा। तो प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्हें पता नहीं, और ये फ्रॉड हमेशा ऐसा नहीं कि जो एज वाइज के हिसाब से, ये सबके साथ होता है, भले वो यंगर हो भले वो जैसे कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, ओल्ड एज वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि ओल्ड एज वालों के साथ होता है, ये फ्रॉड सबके साथ होता है। ऐसा कॉल करते हैं जैसे आपको लगता है रियल है, ऐसा लिंक आपको जैसे कि सेंड करते हैं आपके नंबर पे या कोई भी कुछ भी बना के, और आपको रियली लगता है कि यस इट्स जेन्यून एंड आई नीड टू शेयर माय डिटेल्स टू हिम, कोई भी जिसके साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मत शेयर कीजिए आप अपना कोई भी डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी नंबर, ये हमेशा बैंक भी जागरूक करती रहती है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।